पीएम मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। इस कार्यक्रम में 24 राज्यों से बच्चे आए थे। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में बच्चों से कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान एक बड़ा मजेदार वाकया भी हुआ। दरअसल चर्चा के दौरान एक छात्र की माँ ने पीएम मोदी को बताया कि ऑनलाइन गेम्स की वजह से उनका बच्चा पढ़ाई से दूर रहता है। तब पीएम मोदी ने बड़े ही मजेदार तरीके से पूछा, पबजी वाला है क्या? पीएम मोदी के सवाल पर वहाँ मौजूद सभी लोग खिलखिला उठे। मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूँ। ये पबजी वाला है क्या? या तो फ्रंटलाइन वाला होगा। ये समस्या भी है, समाधान भी है। हम ये चाहें कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर चले जाएं, फिर तो वो एक प्रकार से अपने सारी जिंदगी से एक प्रकार से पीछे की तरफ जाना शुरू होगा, और इसलिए उसको ये टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग करता है, क्या टेक्नोलॉजी उसको रोबोट बना रही है क्या, या इंसान बना रही है? अगर माँ बाप थोड़ी रुचि लें, कभी खाना खाते समय चर्चा करें टेक्नोलॉजी की, कि बताइए भाई इन दिनों क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या नया आया है, किस प्रकार के नए नए ऐप्स आए हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे एक्सपांशन के लिए होना चाहिए, मेरे विस्तार के लिए होना चाहिए, मेरे सामर्थ्य में बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। और इसके लिए टीचर्स ने भी बार बार इन विषयों की चर्चा करते रहना चाहिए, तब जाकर के होगा। खबर के मुताबिक बाद में पीएम मोदी ने इस बारे में बात करते हुए कहा, बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर करना अच्छी बात नहीं है। उन तरीकों को ढूंढे जिनमें आप अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने और समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे विस्तार और हमारे सामर्थ्य में बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए, न कि हमें समेटने के लिए। पीएम मोदी ने आगे कहा, सब चीजों की तरह टेक्नोलॉजी की भी कुछ सकारात्मक और नकारात्मक चीजें होती है। अभिभावक होने के नाते हमें अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बता दें कि पबजी गेम दिसंबर 2017 में लॉन्च हुआ था, जिसके बाद से कई लोग इस गेम के फैन हो गए थे। ये गेम बच्चों को लेकर युवाओं में काफी फेमस है। पबजी का क्रेज भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में छाया हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस गेम को खेलने से मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। बता दें कि पबजी को करीब 5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। ये गेम युवाओं में काफी चर्चा में है, लेकिन इसकी लत काफी खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।